हेलो एवरीवन, आई एम रविजन। आज हम देखेंगे कि हम कैसे जेम पोर्टल पर कोई भी भीड़ का स्टेटस देख सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे पास कोई भीड़ चल रही है तो कई बार हम जो एज ए सेलर या बायर होता है, सेलर जो होते हैं वो डालना चाहते हैं कि उस भीड़ का क्या स्टेटस है, भीड़ का टेक्निकल इवेल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया। तो कई बार सेलर्स को लगता है कि जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं को उसका स्टेटस मालूम हो पाता है, उसकी डिटेल मालूम हो जाती है, पर ये ट्रू नहीं है। जेम पोर्टल काफ़ी ट्रांसपेरेंट पोर्टल है, इसमें आप कोई भी बिड का स्टेटस देख सकते हैं, कौन ने किसी ने पार्टिसिपेट किया, अब तक जो भी बिड्स फ्लोट हुई है जेम पोर्टल पर सारी बिड्स का स्टेटस देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का हमने देखा था कि कैसे हम स्टेटस देख सकते हैं, वो हमने पिछली बार देखा था। कॉन्ट्रैक्ट नंबर आपको पता हो तो आप कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट का देख सकते हो, ऐसे ही बिड का अगर आपको नंबर पता हो तो आप बिड का स्टेटस दे सकते हो। बिड के केस में जेम पोर्टल ने नया फीचर, नया उसको डिजाइन किया है नए वे से, तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम बिड की डिटेल्स देख सकते हैं। ये सेलर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ बायर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायर्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बायर अगर आप देखना चाहता है कि इस चीज़ के आइटम के लिए कौन कौन सी बिड्स फ्लोट हुई है, उनमें किन किन बिडर्स ने पार्टिसिपेट किया था, कि तो क्या प्राइस रहती है जनरली, तो वो अपना करेक्ट एस्टिमेशन कर सकता है। वो मार्केट का सर्वे भी कर सकता है थ्रू जेम पोर्टल, ओनली आइडिया लगा सकता है कि क्या वो अपनी स्टडी कर सकता है। तो ये आपका जेम पोर्टल में आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिंपली बिड्स में जाना है और लिस्ट ऑफ बिड्स में जाना है। और इसमें सपोज करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बिड लिस्टिंग है उसका ओल्डर वर्जन आप देख रहे होंगे वो है, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा यहाँ पर अब एक तो कंटेंट्स करके लिखा हुआ है कि कीवर्ड जो भी आप एंटर करें, जैसे बिड नंबर है, डिपार्टमेंट नेम है, मिनिस्ट्री नेम है, आइटम्स है, बीओक्यू टाइटल है, कैटेगरी का नेम है, कंसाइनी लोकेशन है, ये सब से आप बिड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी हम एक बिड लेते हैं जो कि हाँ हमारे पास अवेलेबल है, बिड नंबर हमने लिए हैं ये। फॉर एग्जाम्पल मेरे को पता है कि ये बिड पब्लिश हुई थी, यार इसका स्टेटस क्या है मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं इसको सर्च करूँगा, यहाँ डालिए आप। और इसमें ध्यान रखिए ऑन गोइंग बिड्स में ही जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई बिड ऑन गोइंग हो नहीं हो, तो इसलिए आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद इसको सर्च करिए। ऑन गोइंग बिड्स का मतलब है जो कि ओपन नहीं हुई, तो ये हमारे पास ऐसी बिड ली है हमने जो ओपन हुई है, तो इसका आप स्टेटस देख सकते हैं कि ये अभी आपने कोई लॉगिन नहीं किया, ये बिड किसने पब्लिश करी आपको ये जरूरी नहीं कि जो पब्लिश करे वही देखे या जो पार्टिसिपेट करे वही देखे, आप इसमें देख सकते हैं कि ये बिड स्टार्ट होते 6 मई को, 3 जून को इसका फाइनलाइजेशन हुआ और स्टेटस बिड का है बिड अवार्ड हो चुकी है। इसकी ये क्वांटिटी थी, आप चाहें तो इसमें क्या होगा कि आप चाहें तो इसको बिड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो आपके पास सारा बिड डॉक्यूमेंट जो भी था इसका ये डाउनलोड होके आ जाएगा, जो भी कंडीशंस इस बिड की थी वो सारी आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। सिमिलरली आप इसको क्लिक करिए तो व्यू बिड रिजल्ट्स में आप जा सकते हैं, जैसे ही आप बिड रिजल्ट्स में जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स आएगी, फिर उसके बाद टेक्निकल इवेल्यूशन में आप देख सकते हैं कि कौन कौन बिडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, किस तारीख को पार्टिसिपेट किया उन लोगों ने, क्या स्टेटस रहा, 2 बिडर ने पार्टिसिपेट किया, 1 बिडर डिसक्वालीफाई हुआ, 1 बिडर क्वालिफाइड हुआ, और उनका फाइनेंशियल रेट क्या रहा, यह आप इस केस में देख सकते हैं। अब आपको फॉर एग्जांपल आपको ये पता लग गया कि इस बिड में ये अवार्ड हुआ है, आप चाहे तो इस बिड का कॉन्ट्रैक्ट नंबर भी सर्च कर सकते हैं कि इस बिड के अगेंस्ट में क्या कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिला है। वो कॉन्ट्रैक्ट आपको देखना है तो सिंपल आपको जाना है वापस से, आप जेम पोर्टल में जाइए और व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करिए। जैसे आप व्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पे क्लिक करेंगे और ये बिड नंबर डालेंगे तो आपको क्या होगा कि ये जो ये चीज़ हमने हमारे एक अनदर वीडियो में भी बताया है, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कैसे एक दूसरे से ये बातें लिंक है और कैसे हम जेम पोर्टल पर विदाउट लॉगिन भी काफ़ी स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंस गैदर कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो सेलर्स और बायर्स हैं, अभी क्या हो रहा है ये ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं जस्ट जो है अपना जो परफॉर्म कर रहे हैं, सेलर माल बेचने में लगा हुआ है, बायर अपना परचेज कर रहा है, पर अगर उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके डाटा एनालिटिक्स के थ्रू किया जाए तो सेलर का भी चांस बढ़ सकता है कि उसको ऑर्डर मिलेगा, साथ ही बायर भी ये इंश्योर कर सकता है अगर वो थोड़ा सा स्टडी करें इन फीचर्स का कि उसको कैसे रीजनेबल रेट मिलेगी, उसको क्या कंडीशंस रखनी चाहिए,
तो आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट डिटेल इसमें ये अवेलेबल है, कॉन्ट्रैक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमने पहले भी बताया है आपको। सिंपल इस पर क्लिक करना है, ये आपको कुछ टेक्स्ट एंटर करने के लिए बोलेगा। ये टेक्स्ट जो है वो सेम ही है, तो उस पर डाउनलोड का फीचर इनेबल हो जाएगा और आप इसके बाद जेम कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इतना ट्रांसपेरेंट और इतना सिंपल सिस्टम है, इसमें कोई सी भी बिड आप सर्च कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बिड लेते हैं दूसरी, तो वो जो बिड है कि जरूरी नहीं है कि मतलब उसका रिजल्ट फाइनल हुआ ही हो। जैसे कि अभी ये फाइनेंशियल इवेल्यूशन में ये बिड चल रही है, तो भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या रेट खुली, ये आप देख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इवेल्यूशन कंप्लीट होना ही चाहिए, वो अवार्ड होना ही चाहिए, टेक्निकल इवेल्यूशन हो रहा है, फाइनेंशियल इवेल्यूशन चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन बिडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्या रेट है और ये क्या तरीका उन्होंने अडॉप्ट किया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी हम लोग इसका दूसरा चीज और देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसमें जो इसमें तो ऑर्डर नहीं देख पाएंगे, हम लोग एक देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कैटेगरी का नाम भी डाला इसमें, जो हमने अभी पहले दिखा रहा था ऑल बिट्स में, तो जरूरी नहीं है कि आपको नंबर ही पता हो। आपको पता है कि यार ये इसका नाम ये है, इस चीज़ से क्या क्या बिट पब्लिश हुई है, तो वो आपको बिट अवेलेबल यहाँ दिखा देगा कि इस आइटम के लिए एक बिट पब्लिश हुई है जेन पोर्टल पर, वो आपको दिखा देगा, चाहे वो कोई सी भी बिट हो, कस्टम बिट। आप चाहो तो यहाँ पर फिल्टर्स भी लगा सकते हो, हायर वैल्यू बिट्स के लिए भी फिल्टर लगा सकते हो जिनकी 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। ये जो फीचर है आप स्टेटस के हिसाब से भी लगा सकते हो, एंड डेट और स्टार्ट डेट के वो भी लगा सकते हो फिल्टर। आप चाहो तो ये जो चारों ये सारे फिल्टर्स आप ट्राई करके देखिए। जेम पोर्टल का अभी इन्होंने नया रिवैम्प किया है और काफ़ी अच्छा फीचर है ये, आप इसका यूज कर सकते। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ओन जी सी महसाना ने कौन कौन सी बिट पब्लिश करी है ये आप देख सकते हो, तो ये जो बिट्स पब्लिश करी है वो आपको दिखाई देगा कि ये कौन कौन सी बिट्स चल रही है। और जिसमें भी ये नेम आएगा, ओन जी सी आएगा या मैसाना आएगा, ये दोनों तरीके से करेगा, दोनों को उसको एनालाइज करेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं करा है, सो देट आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है उसका इंटीमेशन आ जाएगा। आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया तो अपने डिपार्टमेंट में या अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। आपके फ्रेंड्स चाहे सेलर हो चाहे बायर हो, जेम पोर्टल जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसने गवर्नमेंट बाइंग में जो है रिवॉल्यूशन ला दिया है, और इस मतलब ये बायर्स के लिए भी सही है, सेलर के लिए तो और सही है कि जो सेलर्स को पहले कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी वो सबको अब वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है हर ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू वेरी मच।